देखो काम बड़ा कमाल का है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा है और क्लाइंट के पास ये दो टेबल्स आई हैं। टेबल वन जो कि आई है कंपनी डेटा फ्रॉम प्रेस रिलीजेस, और दूसरी टेबल आई है इंडस्ट्री पब्लिकेशन डेटा। तो दो सोर्सेस से डेटा आया। अब क्लाइंट कहां फंसा हुआ है, कहां उसको इश्यू आ रहा है, आप ये देखोगे तो कहता है कंपनी की उसके पास एक लिस्ट आई और व्हीकल टाइप और मार्केट शेयर परसेंटेज मेंशनड है। दूसरी टेबल के अंदर भी कंपनी का नाम है, व्हीकल टाइप है, मार्केट शेयर है, बट एनुअल प्रोडक्शन जो है वो भी मेंशनड है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी का नाम मैच करके उसे एनुअल प्रोडक्शन टेबल टू से टेबल वन के अंदर डालना है, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि कंपनी के नाम एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे। देखो भारत मोटर्स लिमिटेड, भारत मोटर लिमिटेड मोटर्स नहीं है, मोटर लिमिटेड है। उसके बाद इंड ऑटो कॉर्पोरेशन और यहां पे इंडिया ऑटो कॉर्प, तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में चेंज है और इस वजह से इसको वी लुकअप लगाना या ये सब चीजें लगाना, एक्स लुकअप लगाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैच हो ही नहीं पाएगा। तो क्लाइंट जब यहां फंस गया तो वो कहता है कि भाई आप जैसा कोई फ्रीलांसर वो ढूंढ सके, आप जैसा कोई एक्सपर्ट एक्सेल के अंदर ढूंढ सके जो ये काम कर पाए, जिसके बदले क्लाइंट आपको 1752 रुपए पे करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो अगर आपको एक्सेल आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये काम एग्जैक्टली आप कैसे करके इतना पैसा कमाओगे। साथ ही में आपको होमवर्क भी देने वाला हूं और हाउ टू गेट अ क्लाइंट की स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आपको मैं साथ में देने वाला हूं। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप दिन में एक घंटा भी निकालोगे इस काम के लिए तो उसके अंदर ये काम कर पाओगे और 1752 रुपए चार्ज कर पाओगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। और अगर इसी तरह से 10 से 12 प्रोजेक्ट भी अगर आप महीने के कर लेते हो, बहुत कंजर्वेटिवली बोल रहा हूं, तो भी 17,000 से 20,000 रुपए आप कमा पाओगे एज अ सेकंड सैलरी। तो अब ये काम क्या है, कैसे होगा, प्रैक्टिकली विद एन एक्सरसाइज फाइल, और आपको ये काम बिना किसी कॉम्पिटिशन के कैसे मिलेगा, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 12 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। 1,00,000 लोगों से ज्यादा को मैं एक्सेल के ऊपर ट्रेन कर चुका हूं और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सेल ट्रेनर भी हूं, और साथ ही में मैं एक्सेल की इस बुक का बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हूं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको दे दूं, मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन भी रखने वाला हूं, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग एक्सेल। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, बट इस सेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है fiverr.com। बहुत से टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, fiverr.com, upwork.com, peopleparr.com, freelancer.com, इनमें से मैं fiverr.com के ऊपर हूं और इसमें मैंने सर्च किया डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल, जो कि एक बहुत ही कॉमन तरीके का काम है और बहुत ही हाई डिमांड काम है मार्केट के अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे बहुत से गिग्स अवेलेबल हो गए हैं, बहुत से लोग सर्विसेज अपनी देने के लिए यहां पर आ गए हैं। वो कहते हैं मैं 1300 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 2600 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 1700 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 2600 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 876 रुपए चार्ज करूंगा। बट एक चीज समझने वाली यहां पर है कि जो भी अमाउंट यहां पे मेंशन है ये उनके बेसिक पैकेजेस होते हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे गिग ओपन किया है और आप इनको देखोगे तो ये बोलते हैं आई विल डू डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, एक्सेल डेटा क्लीनिंग, कॉपी पेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग की। इनका गिग बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक करीबन 700 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुके हैं और 400 फाइव स्टार रिव्यूज भी इनको मिले हैं। और इनका बेसिक पैकेज अगर आप देखोगे तो 1752 रुपए का है, इसी की मैं बात कर रहा था। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज देखोगे तो 4300 रुपीज का है, और प्रीमियम पैकेज के तो कहने ही क्या, क्योंकि वो 8700 रुपीज तक पहुंच जाता है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक्सरसाइज फाइल के थ्रू बताने वाला हूं कि कैसे आप 1752 रुपए चार्ज कर पाओगे इस पर्टिकुलर काम के। तो अभी तक आपने समझ लिया कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं इस काम का, अब हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि ये काम कैसे होगा। साथ में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर और ये देखिए वही डेटा जो मैंने इनिशियल इंट्रोड्यूस किया था कि ये दो टेबल्स हमारे पास हैं और इनको कंपेयर करना है। सबसे बड़ी जो यहां प्रॉब्लम है कि वो जो कंपनी के नाम है वो एग्जैक्टली मैच ही नहीं हो पा रहे। अभी तो सिर्फ 10-12 कंपनीज का डेटा है, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो 500, 600, 1,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 10,00,000 रोज तक का भी डेटा हो सकता है। तो मैनुअली इस चीज को करना इम्पॉसिबल है। तो हमें समझना है कि क्या वो एक्सेल की ट्रिक लगाएं जिससे काम हो सकता है। बताता हूं, बट उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और इस फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर पाओ। तो पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एडिन या एक प्लगइन को डाउनलोड
डाउनलोड करना है जिसका नाम है फजी लुकअप। इसके लिए मैंने इसका लिंक ऑलरेडी इस शीट के अंदर दिया है, डाउनलोड फजी लुकअप, जो एक माइक्रोसॉफ्ट के पेज का लिंक है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप इसको इजिली डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाओगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ऊपर रिबन के अंदर ही फजी लुकअप का इस तरह से एक टैब बन के रेडी हो जाएगा और लेफ्ट साइड में फजी लुकअप का ऑप्शन आ जाएगा। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सिमिलर चीजों को मैच करके वैल्यूज निकालने में हेल्प करता है, और यही चीज हमें चाहिए क्योंकि कंपनीज के नाम एग्जैक्टली यहां पर मैच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो पहला स्टेप हो गया, फजी लुकअप को आपने इंस्टॉल कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी आपके पास डेटा है उसे आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसका सिंपल सा तरीका यह होता है कि आपको डेटा को सिलेक्शन देना है और सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो उसको वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा, आपको ओके प्रेस करना है। इसको मैंने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। तभी अगर आप देखोगे जब मैं इस डेटा के ऊपर हूं तो ऊपर टेबल डिजाइन का एक टैब ओपन हो रहा है, अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूं तो टेबल डिजाइन चला जाता है। तो मैं इसके अंदर हूं, इसका मतलब ये टेबल डिजाइन के अंदर हूं, और इसका नाम है टेबल वन और इसका नाम है टेबल टू। तो दोनों को मैंने टेबल में ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। तो सेकंड स्टेप हो गया टेबल में कन्वर्ट करना, शॉर्टकट है कंट्रोल टी। अब थर्ड स्टेप है, हमें फजी लुकअप का यूज करना है प्रैक्टिकली। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को सिलेक्शन दे देते हैं, या सिलेक्शन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। हम सिंपली जाएंगे फजी लुकअप के ऊपर और क्लिक कर देंगे फजी लुकअप के ऑप्शन पे। मैं आपको रिमाइंड भी करवा दूं कि हमें रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि इस डेटा के बेस मतलब टेबल वन को टेबल टू से कंपेयर करना है और एनुअल प्रोडक्शन को हमें लेकर आना है टेबल वन के डेटा के साथ। ये रिक्वायरमेंट है हमारी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे फजी लुकअप पे और इस तरह से राइट साइड में एक विंडो, एक पॉपअप, एक पेन ओपन हो जाएगा। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो टेबल के कंपैरिजन की बात हो रही है, पहला है लेफ्ट टेबल और दूसरा है राइट टेबल। अगर आपने कभी डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी, या अगर आपने वीलुकअप यूज किया है एक्सेल के अंदर तो भी आपको ये चीज इजी लगेगी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट टेबल के अंदर टेबल वन आप देख रहे हो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि इस ड्रॉप डाउन में इस पूरी वर्कबुक के अंदर, नॉट वर्कशीट, पूरी वर्कबुक में जितनी भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड डेटा है वो यहां पे लिस्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस पूरे वर्कबुक के अंदर चार टेबल है, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर। टेबल थ्री एंड फोर मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज दी है होमवर्क के अंदर, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट टेबल है हमारी टेबल वन और राइट टेबल है टेबल टू, ऑलरेडी मैंने सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उसने देखो बाय डिफॉल्ट ये कंपेयर कर लिया कि दोनों टेबल के अंदर जो हेडर्स हैं वो तो मैच कर रहे हैं, तो उसने ऑलरेडी देखो कंपनी नेम को कंपनी नेम के साथ जोड़ा हुआ है और व्हीकल टाइप को व्हीकल टाइप के साथ जोड़ा हुआ है। मार्केट शेयर के आगे परसेंटेज लिखा है इसलिए उसने मैच नहीं किया, और यहाँ पर एनुअल प्रोडक्शन है नहीं तो यहाँ वो मैच वैसे भी नहीं कर पाया। तो दो कॉलम के बेस पे हमने इन टेबल्स को कंपेयर करना स्टार्ट करना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा है आउटपुट कॉलम्स। आउटपुट कॉलम्स का मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट है वो उसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। मैंने आपको बताया था मुझे टेबल वन में से कंपनी नेम चाहिए, उसके बाद मुझे टेबल वन के अंदर से व्हीकल टाइप चाहिए, और मुझे टेबल वन के अंदर से मार्केट शेयर परसेंटेज भी चाहिए। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, उसके बाद टेबल टू के अंदर से कंपनी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दो बार कंपनी नेम में क्या करूंगा, अगेन दो बार व्हीकल टाइप में क्या करूंगा, और दो बार मैं मार्केट शेयर को क्या करूंगा, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आई नीड वन मोर थिंग विच इज टेबल टू के अंदर एनुअल प्रोडक्शन, मतलब एनुअल प्रोडक्शन टेबल टू की उठ के टेबल वन के आगे आ जाए। तो मैं इसको चेक्ड ही रहने देता हूं, और सिमिलैरिटी के लिए ये आपके काम की चीज नहीं होती, क्लाइंट के काम की चीज नहीं है, तो मैं इसको भी अनचेक कर देता हूं। ऑलराइट, ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब इसके बाद मैं नीचे एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूं आउटपुट के लिए कि कहां मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं ताकि आपको आउटपुट आती हुई दिखे। इसके बाद यहां आता है नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस मतलब आपको एग्जैक्ट मैच करना है या नहीं करना। ऑलराइट, वन मैच जैसे हम बात कर रहे हैं तो रिटर्न लेकर आए। उसके बाद है सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये होता है कि आपको कितना मैच करवाना है दो वैल्यूज को। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पे एक सेंट्रल ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है और यहां पे सेंट्रल ऑटो लिखा हुआ है, तो कितना परसेंट वो मैच हो ताकि उसका रिजल्ट आ जाए। तो जैसे मैं इसको अभी छेड़ता नहीं हूं, और अगर आप देखोगे तो यहां पर ये आ रहा है करीबन जीरो के ऊपर है, 0.5 आप मान लो, 0.43 व्हाटएवर। मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूं गो पे। नीचे सेल सेलेक्ट करना है क्योंकि वो ओवरराइट ना कर दे ऊपर वाले डेटा को। जैसे मैंने क्लिक किया गो के ऊपर तो आप देखोगे इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और यहां पर कुछ वैल्यूज भी हमारे पास आ गई हैं। ये आ गई ना, इसने मैच भी कर दिया, साथ में ये एनुअल प्रोडक्शन की वैल्यूज भी आ गई हैं। और वैल्यूज चेक कर सकते हो आप यहां पे, रैंडमली चेक कर सकते हो। जैसे भारत मोटर्स लिमिटेड की 120,000 की वैल्यू है वो यहां पर आ गई है, विच इज वेल एंड गुड। और इसके बाद विद्या व्हीकल्स कंपनी की 140,000 की यहां पर वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो
विद द वे लिखा हुआ है और उसकी भी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, मतलब इट्स वर्किंग वेरी गुड, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं आई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिमिलैरिटी थ्रेशहोल्ड है उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं ये ऐसी वैल्यूज है जहां पर वो प्रॉपरली मैच नहीं कर पाया, तो हम इसको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे इस क्राइटेरिया को, तो और भी मैच कर पाएगा। आपको क्लियरली दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं अंडू कर देता हूँ ताकि वो वैल्यू हट जाए, और इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ उस पर्टिकुलर सेल पे या वहीं पर, और यहाँ पर सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को मैं कम कर देता हूँ। आप इसको कम कर दोगे तो ये क्या करेगा, वो वैल्यूज ला पाएगा। ये देखो ये वैल्यूज ले आया और सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, क्योंकि अभी भी मैंने इसको पूरा नीचे नहीं किया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ और सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को मैं कर देता हूँ 0। क्लिक करता हूँ गो के ऊपर, तो आप देखोगे सारी वैल्यूज हमारे के पास आ चुकी हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इस ऑप्शन के अलावा एक्सेल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि आप VBA कोड लिखो जिससे काम हो पाए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ऑलराइट, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है और इसके क्लाइंट आपको खुल के पैसे देता है, क्योंकि ये काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट फजी लुकअप बना ही सिर्फ इस पर्पस के लिए, एंड आई विल टेल यू व्हाट, 99.99% लोग इस पूरी दुनिया में जो एक्सेल यूज करते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता। इसकी एडवांटेज आप ले सकते हो और इससे आप कमा सकते हो ₹1752 हर एक प्रोजेक्ट के एज अ सेकंड सैलरी। तो ये तो आप प्रैक्टिस करोगे, साथ में अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, बट अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आप तक वैल्यू पहुंच रही है, तो सबसे पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन दोनों को प्रेस कर लो ताकि मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू सो वेरी मच दिल से हमारे 9,00,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। जल्दी आपके प्यार और सपोर्ट से यहां पर एक गोल्डन बटन भी जरूर आएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, बात करते हैं होमवर्क की। ये होमवर्क आपको जरूर करना है, और इस होमवर्क की बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप ये होमवर्क करोगे, इसके अंदर भी आपके पास 2 टेबल्स हैं, होटल इंडस्ट्री का डेटा है, इनको कंपेयर करना है, और पहली टेबल को दूसरी टेबल को कंपेयर करना है होटल नेम के बेस पे, और उसके बाद एवरेज रेट पर नाइट का आपको लेकर आना है टेबल 1 में जो यहां मिसिंग है, और इसके भी क्लाइंट आपको पे करेगा ₹1751। और ये चीज करने के बाद आपको कमेंट में एवरेज रेट पर नाइट का बताना है द हिमालयन रिट्रीट होटल का। ऑलराइट, ये करना है ताकि जब आप कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आपको डालना, जब आप कमेंट करोगे तो मैं जाकर चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है, और आपको रिप्लाई बैक भी जरूर करूंगा ताकि आपकी मेहनत भी सफल हो और मेरी मेहनत भी सफल हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये होमवर्क करना है, एंड हाउ टू गेट अ क्लाइंट की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड भी यहां पर अवेलेबल है। फजी लुकअप डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी तक मैं इस वीडियो में आपको 2 चीजें बता चुका हूं, क्या चीज की ये काम क्या है और ये काम प्रैक्टिकली कैसे होगा। इस पूरी फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर करना। आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ठीक है हमने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन इसके बाद हमें क्लाइंट मिलेगा कैसे, हम कैसे उससे नेगोशिएट करेंगे, कैसे काम लेंगे, कैसे पेमेंट लेंगे, कैसे अपना काम सबमिट करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड सैलरी अर्न करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ही मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं, बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप करके मुझे वहां मिल सकते हो। और जब आप साइन अप करते हो, मुझे वहां मिलते हो, तो यहां पर मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ईबुक है जो आपको हेल्प करती है एक अच्छा फ्रीलांसर बनने में सुपर फास्ट, बट आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन। तो वेट मत करो, 2024 भी अभी काफी बचा हुआ है हमारे लिए, हम यहां पर कुछ ना कुछ जरूर अपने लिए कर सकते हैं और एक अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो या इस QR कोड को स्कैन करो, मुझे इस फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन में मिलो, सारी चीजें डिटेल में समझो और भी प्रोजेक्ट समझो ताकि आप कॉन्फिडेंटली सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सको। और हां, मैं आपका इस फ्री सेशन में वेट कर रहा हूं।